वापस एक बार मैंने मंगवाया ये एप्पल का नया वाला MacBook Pro 16 इंच। ये एक्चुअली M1 Pro वाला चिपसेट है। इसके हम लोग करते हैं अभी अनबॉक्सिंग यहां से। ओके, इसके अंदर एक्चुअल वाला बॉक्स है। इसके पीछे से गाइस ऐसे निकालते इसको। अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं। डायरेक्टली देखने मिलता है अपने को मैकबुक। भाई एक्चुअली थोड़ा सा वेट मुझे ज्यादा लग रहा है अभी हाथ में लेके। थोड़ा सा वेट मुझे ज्यादा लग रहा है, एक्चुअली गेमिंग लैपटॉप जितना ही लग रहा है। ओ भाई मुझे समझा ही नहीं कहां से फ्रंट है। सामने से सीधा दिखने मिलता है एप्पल का ही लोगो। टाइप सी टू मैग सेफ, ये वाला मैग्नेटिक वाला कनेक्टर है, काफी पुराना है, मतलब एप्पल का ही कनेक्टर ये। ओ काफी लंबा है उस हिसाब से तो, बट आई गेस लैपटॉप के चार्जर के हिसाब से मेरे 13,000 वाले केबल के सामने कुछ भी नहीं है। रुक जा, वो भी टेस्ट करेंगे हम लोग बाद में। ये एक्चुअली 190 वाट वाला चार्जर है तो काफी फास्ट चार्जिंग होगी। अभी हम लोग सीधा ओपन करके करते लैपटॉप को। ओके, आवाज आ गया एंड ये निकालता हूँ। ओपन करते ही तुरंत चालू, कुछ बटन नहीं दबाया मैंने, चालू हो रहा है ये। एक्चुअली अभी चालू भी हो गया। कोनिचिवा, अभी मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी करके। इसमें टच आईडी यानी कि फिंगरप्रिंट रीडर भी है और यहाँ पे है इसका, तो हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। अभी मैं तुरंत सेट कर लेता हूँ इसको। ओह ये देखो, इसमें लाइट डार्क एंड ऑटो मोड का ऑप्शन है। भाई मैं हूँ डार्क मोड वाला बंदा, मैं सीधा डार्क मोड में यूज करता हूँ सब। ये अभी शुरू हो गया अपना मैक एंड अभी मुझे देखना है टच आईडी कैसे काम करता है इसका। तो इसको जैसे हम लोग अभी बंद किया, ठीक है अभी बंद है, ठीक है अभी टच आईडी से हम लोग खोल सकते हैं इसको। खुल गया इजी। भाई ये नॉर्मल वाला टच लाइक फिंगरप्रिंट है, तो इस वाले मैकबुक में ना नई चीज ये है, यहाँ पे जो बाल थी, एक बाल थी यहाँ पे, वो हटा के यहाँ पे F वाली कीज लगा लिए, फंक्शन कीज लगा दिए। ऑनेस्टली बोलो तो वो पहले वाली जो टच बार थी ना, वो ऐसे लाइक सिर्फ फन के लिए लगती थी, लाइक जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको वैसे सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, उससे ज़्यादा FN कीज यानी कि फंक्शन कीज से ज़्यादा उनको यूजफुलनेस हो जाता है। इस वाले मैकबुक में एप्पल ने वापस से लेके आए पोर्ट्स, तो भाई एप्पल के लिए भाई ताले हो जाए, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ क्या, जितने ज़्यादा पोर्ट्स उतने ज़्यादा मज़ा, उतना ज़्यादा इजी हो जाता है। लाइक ये साइड देखो, पूरा एक SD कार्ड स्लॉट है, तो यहाँ पे अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरा से, तो मेरे लिए काफ़ी इजी है इसमें ट्रांसफर करना। देन यहाँ पे एक और थंडरबोल्ट पोर्ट है एंड देन HDMI वाला पोर्ट है, जो कि HDMI 2.0 है, तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिस्प्ले। एंड ये साइड से है अपने पास एक हेडफोन जैक, जो कि एक हाई इम्पीडेंस वाला है, यानी कि इससे अच्छे वाले हेडफोन्स भी चल जाएंगे। एंड देन दो थंडरबोल्ट वाले और पोर्ट्स है। एंड जो बात कर रहा था मैं, ये है मैगसेफ, तो ये मैगसेफ चार्जिंग के लिए काम आता है। एक हाथ से पकड़ना थोड़ा मुश्किल है ये वाले मैकबुक को। वेट के हिसाब से इसका वेट है 2.1 kg, पर पता नहीं यार ज़्यादा बल्कि सा लग रहा है मुझे। मैं भी मेटल फिनिश वगैरह, इसलिए यहाँ पे एप्पल का लोगो भी मस्त चमक रहा है और ये वाला भाई फिनिश मुझे पसंद है। हाँ, मस्त लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा। और नीचे से ये ऐसे दिखता है, आई डोंट थिंक नीचे से कुछ खास है, बस यहाँ पे रबर के पैड्स वगैरह है ताकि ये थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट होके रहे। एक्चुअली मैं गाइस, ये मैकबुक हम लोगों ने इसलिए लिया ताकि हम लोग जब भी बाहर जाए या फिर कुछ कुछ वीडियोस होती है, व्लॉग्स वगैरह होते हैं, वो मैकबुक पे एडिट करना थोड़ा इजी चला जाएगा बाहर कहीं पे है हम लोग, क्योंकि ये वाले मैकबुक का परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होता है जब इसको चार्जर से हटा देते। मोस्टली गेमिंग लैपटॉप्स का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है, वरना हम लोग गेमिंग लैपटॉप ही ले लेते। इसका वेट भी कम होता है और बैटरी की बात करें तो गाइस 21 आवर्स की बैटरी बोली गई है वीडियो प्लेबैक के लिए एप्पल की तरफ से। और इवन थिकनेस भी यार मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी कम ही लग रही है। ये जो स्क्रीन एंड बॉडी के बीच का गैप है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ही कम कर दिया गया है, मस्त एकदम। यह है मैक सेफ वाला चार्जर, इसको एक्चुअली हम लोग कैसे भी लगा सकते ऐसे, एंड अगर कुछ हो जाता है झोल और ये निकल जाता है मैग्नेटिक है फुल्ली, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लगाना भी इजी हो जाता है ये काफ़ी ज़्यादा ही हद तक।
इवन अगर इसको मैंने ऐसा खींचा, लैपटॉप थोड़ा भी नहीं हिलेगा। ये गाइस एक चीज नोटिसेबल हो जाती है फर्स्ट टाइम देखने पे कि यहाँ पे एक नॉच है। कैमरा के लिए एप्पल ने यार नॉच लाया है मैकबुक में भी। इसमें अगर फेस आईडी ऐड करते हैं तो ये मस्त हो जाता है एक्चुअली, कि लाइक बोल सकते हैं चलो नॉच है लेकिन फेस आईडी भी है साथ में। गाइस एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यूजर हूँ एक मैकबुक का, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। मुझे एक्चुअली सर्च करना है कि पता नहीं यार कैसे सर्च कैसे करते पता नहीं चल रहा मुझे। यहाँ पे कर सकते हैं क्या यार, क्या ओपन हो गया, इमोजीज ओपन हो गए भाई। ठीक है यहाँ पे मैं कैमरा सर्च करके देखता हूँ। हाँ एक हाँ मिनट, ऐसा हमें कुछ टाइम बाद पता चला कैसे ये करते इसको। ओके इसको बड़ा कैसे करते। ए भाई कहाँ गया भाई, फर्स्ट टाइम यूजर यार, नहीं उल्टा समझ, मस्त गया था देखना। नहीं समझ रहा। ओके तो ये एक्चुअली में 1080p का कैमरा है, लाइक जो काम होता है लाइक मीटिंग्स वगैरह वो वाले काम के लिए ये अच्छा है, ठीक ठाक ही है। ओ ओ इसमें इफेक्ट्स भी लगा सकते भाई, ये देखो। वाह हेलो हेलो भाई, ये सब क्यों करेगा कोई। शी ये एक्चुअली मैं खुद का ही वीडियो देख रहा हूँ स्क्रीन पे। ये एक्चुअली एक 4K स्क्रीन है लेकिन थोड़ी सी टॉल है, आप देख सकते हो यूट्यूब से थोड़ी सी टॉल टॉल लग रही है। और ये स्क्रीन भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। ओ भाई ये 4K HDR में देख रहा हूँ, काफी ज्यादा ही बढ़िया दिख रहा है यार ये स्क्रीन, मुझे तो काफी ज्यादा ही पसंद आ गई। इसमें एक्चुअली साइड में स्पीकर्स और एप्पल के स्पीकर्स हमेशा ही बढ़िया होते हैं, मुझे सुन के देखना कैसा लगता है। ज्यादा ही बढ़िया होते हैं यार हमेशा एप्पल के स्पीकर्स, और ये वाले भी बढ़िया लगे मुझे। लाउड ज्यादा नहीं हो सकते, लाइक कुछ कुछ लैपटॉप्स के काफी ज्यादा लाउड जाते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है हमेशा ही। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जिस चीज के बारे में यार बात करनी चाहिए वो तो भूल गया था मैं। ये एक्चुअली इसका जो कीबोर्ड है ना उसके बारे में बात ही नहीं की मैंने, तो ये इसका थोड़ा सा आवाज आता है, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आवाज आता है। तो एकदम रात में अगर आपको कुछ काम करना है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, बाकी तो यार कीबोर्ड एकदम बढ़िया है। हेलो गाइस कैसे हो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है लिख दिया मैंने, कर दो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है एकदम मजे आ रहे हैं इसमें टाइप करने में मुझे तो। इसका ट्रैक पैड भी यार काफी ज्यादा बड़ा है और बढ़िया सा है, ये देखो यार कितना बड़ा ट्रैक पैड है, ऑनेस्टली बोलता हूँ लेकिन ये अच्छी बात है कि एप्पल है ना डिटेक्ट कर लेता है जब टाइप कर रहे हैं हम लोग, तो ट्रैक पैड या सही से काम करता है, एकदम काफी बढ़िया है वो भाई। क्या प्रिसाइज ट्रैक पैड, एकदम बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं इसको अभी शट डाउन करके तुरंत रिस्टार्ट करके देखूंगा, नॉर्मली शट डाउन करूंगा पहले। शट डाउन ओके, कंप्लीटली शट डाउन हो गया। मे बी अभी शायद से हम लोग वापस से इसको चालू कर सकते हैं सीधा ऐसे ओपन करके। कैसे पता चलेगा यार शटडाउन हुआ है नहीं, तुरंत चालू हो गया। वाह काफी तेज है एक्चुअली देखा जाए तो। अभी देखते बूट अप होने में कितना टाइम लगता है इसको शटडाउन से, काफी तेज था यार। ये वाला जो वेरिएंट है हमारे पास, ये वाला है M1 Pro वाला, 16 GB रैम है एंड थोड़ा सा अपग्रेड किया 512 GB से। अच्छा मुझे लगा 1 TB स्टोरेज वाला लेना चाहिए, तो ये 1 TB स्टोरेज वाला है क्योंकि यार मुझे काफ़ी सारी वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करनी पड़ सकती है। एक्चुअली मुझे पता नहीं ये कौन यूज़ करेगा बाकी टाइम पे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी हमेशा इस पर। डिसाइड करेंगे बाद में हमारे ब्लॉग्स चैनल पर, उसका मैं टेंशन लो तुम लोग। और अभी यार एक्चुअली और एक चीज़ मुझे बढ़िया सी दिखानी है आपको, कि यहाँ पे ना हम लोग गेम्स खेल सकते हैं जो भी आईफोन वाले, ठीक है। बट नॉर्मली वाली जो गेमिंग होती है अपनी विंडोज वाली GTA 5 वगैरह, वो डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, नेटिव सपोर्ट नहीं इसमें। ओके सो मैंने ना सीधा एप्पल स्टोर पे सर्च किया BGMI, बट BGMI नहीं मिला मुझे। गाइस तो इस पे हम लोग ऐसी वाली गेम्स खेल सकते हैं, रॉकेट लीग वगैरह, ये चल तो रही है अभी के लिए, बट इतनी अच्छी नहीं दिख रही, 4K में नहीं है। अरे यार मुझे इसके कंट्रोल्स तक नहीं याद अभी। ठीक है भाई गेम खेलने के लिए एक्चुअली बना भी नहीं वैसे भी ये लैपटॉप, क्योंकि एक और चीज़ मुझे जो याद आई गेमिंग करते करते वो ये है कि ये एक्चुअली 120 FPS वाला, 120 Hz वाला डिस्प्ले है अभी, इसको प्रो मोशन बोलते हैं एप्पल वाले। ओ भाई अच्छा है बट थोड़ी सी घोस्टिंग मुझे लग रही इस चीज़ में। मैं भी मुझे आदत है उसमें जी सिंक वगैरह यूज़ करने की मेरे वाले मॉनिटर पे, मेरे वाले सेटअप पे, इसलिए मैं भी मुझे लग रहा है, क्योंकि घोस्टिंग इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा ऐसा डबल डबल दिखता है,
वो चीज़ दिख रही है मुझे थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं है. काम चलाओ, इसमें गेमिंग तो कोई करेगा नहीं. ओ इतना यूज़ किया हम लोगों ने अब तक, इसमें से आवाज़ थोड़ा सा भी नहीं आया. लिटरली मैं इधर कान लगा रहा हूँ भाई, पंखे चालू ही नहीं इसके, बट थोड़ा सा ऐसा वार्म फील हो रहा है नीचे से मुझे. अच्छे वाले डिस्प्ले का यार एक डिसएडवांटेज ये होता है कि लो रिजोल्यूशन पे आप कुछ भी थोड़ा बहुत खेलोगे भाई उसमें मज़ा नहीं आता इतना. बाकी तो यार मैकबुक हम लोगों ने मोस्टली लिया है काम करने के लिए, तो इस पर काम करके मुझे जो फील आएगा वही देखना पड़ेगा. वीडियोस एडिट करके तक करूँगा, कितने टाइम तक चलता है वो सब देखना पड़ेगा. बट ये यार मुझे लगता है एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स में से ना मैकबुक प्रो जो चीज़ है वो वैल्यू फॉर मनी है. वैल्यू फॉर मनी इन द सेंस ऐसा नहीं बोलता कि सस्ता वगैरह है, जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो होता है वो सही है मैकबुक प्रोज का एटलीस्ट. क्योंकि यार मुझे पता है गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह अपने विंडोज के वो भी महंगे वाले आते हैं, ऐसा नहीं कि गेमिंग लैपटॉप्स काफ़ी सस्ते होते हैं, बट ये मैकबुक है इसका जो बैटरी लाइफ है देन इसका जो वेट है लैपटॉप के हिसाब से ओपन करने के बाद है ना इसका वेट ऐसा कम फील होता है वो एकदम बढ़िया बात है. देन बाकी सारा जो परफॉर्मेंस है जो काम के लिए लगता है एडिटिंग वगैरह के लिए, गेमिंग ऑब्वियसली इस पे पॉसिबल इतनी तो है नहीं. गाइस तो आपको कैसे लगा ये नया वाला मैकबुक प्रो? अगर आपको भी ये वाला वीडियो पसंद आ गया तो लाइक दे दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय.